अस्सलामुअलैकुम। एक्सपो दिस वीक के एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान। आज हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहां पर हो रही है पाकिस्तान की पहली केमिकल एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड बाय पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। आज की केमिकल एक्सपो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो केमिकल सेक्टर है वो किस किस तरह के केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तानी कंपनियों को प्रोवाइड कर रहा है बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और साथ ही साथ बहुत से फॉरेन डेलीगेशंस जो यहाँ पर आए हैं उनसे क्या क्या इन्वेंशंस हम सीख रहे हैं, क्या क्या पाकिस्तान को उससे फ़ायदा हो सकता है। और वैसे भी क्योंकि 96% तमाम तर मैनुफैक्चरिंग गुड्स जो हैं वो रिलाई करती हैं केमिस्ट्री के ऊपर, तो केमिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आकर विजिट करते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं आज की इस एग्जीबिशन। I'm standing with the man behind this Pakistan Chemical Expo, जो कि PCMA Pakistan Chemical Manufacturing Association के चेयरमैन हैं, और साथ ही साथ he's also the CEO of Angro Polymer and Chemicals, Mr. Jahangir Paracha। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, पहला पाकिस्तान केमिकल एक्सपो आप लोग करवा रहे हैं, तो ये आइडिया कैसे आया कि ये करवाया जाए एक्टिविटी, और क्या एम्बिशंस हैं, क्या एम्स हैं? देखिए जी, मैं हम लोग दुनिया जाते हैं और दुनिया में ये एक्सपोज बड़े नॉर्मल हैं। दुबई में होता है गल्फ़ का, पूरे का, अरब वर्ल्ड का, अमेरिका में हमने जाके अटेंड किए, हम यूरोप में अटेंड करते रहे, एशिया में सिंगापुर में होता है, तो हमारा और इंडिया भी करता है, तो हमारा भी दिल था कि कल पाकिस्तान में भी इस तरह का एक इवेंट कराया जाए और पाकिस्तान का ये एक रेगुलर इवेंट हो जाए, हर साल हो, दुनिया की कंपनियाँ यहाँ आएँ, पाकिस्तानी कंपनीज़ यहाँ आएँ, कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों। तो जब आप दुनिया में ये चीज़ें होते हैं देखते हैं तो दिल करता है ये चीज़ पाकिस्तान में भी कराई जाए, और वो अल्लाह का शुक्र है, हम वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट वी आर वेरी सक्सेसफुली एबल टू डू इट नाउ इंशाल्लाह। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं भी कुछ फैक्ट्स पढ़ रहा था, 96% जो है किसी भी मैनुफैक्चरिंग के अंदर केमिकल प्रोसेस ज़रूर होता है, तो क्या हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए कितनी डाइवर्सिटी है और कितना मजीद पोटेंशियल है अगर केमिकल के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी और इस तरह के एग्जीबिशंस भी होते हैं तो क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान? तो जैसा कि आप गाड़ी में बैठते हैं, डैशबोर्ड केमिकल से बनता है, जो आपके घर में एसी लगा हुआ है वो क्या चीज़ है? लोहे का तो नहीं है, सारा उसके ऊपर प्लास्टिक्स हैं, ऑल केमिकल्स। सो एवरी डे पानी की बोतल आप हाथ लगाते हैं, इट्स केमिकल। आपके सीमेंट जो बनता है उसमें केमिकल डलता है, आपका यूरिया फर्टिलाइज़र आप डालते हैं तो आपकी खाद से खाना, आप खाने की चीज़ें मिलती है। सो 96% ऑफ वट एवर यू आर टचिंग और विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड इज हैज़ सम केमिकल इन इट। और केमिकल के साथ एक कॉनोटेशन लोग हमेशा नेगेटिव भी लेते हैं, बट केमिकल्स अगर ना हो तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी। बिल्कुल, बॉडी ऑल्सो केमिकल्स, बट गुड केमिकल्स। केमिकल्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होने चाहिए, बट गुड केमिकल्स आर ऑल व्हाट मेक्स दिस वर्ल्ड गो राउंड एज दे से। तो लोगों को एक कॉन्शियसनेस दी जा रही है कि यार इस एरिया में इन्वेस्ट करो और इसको ग्रो करो, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक मिनरल्स का बिल्कुल एरिया, मिनरल्स टू केमिकल्स को तो हमने देखा ही नहीं है। अब एक कल एक प्रेजेंटेशन थी, इस्माइल सुतार साहब ने दी है, अमेजिंग। यू नो देर आर सो मैनी माइंस मिनरल्स इन पाकिस्तान विच कैन मेक सो मैनी यूजफुल थिंग्स, और उनकी चीज़ें वो इम्पोर्ट हो रही हैं, यानी हमारा यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है, उससे एक प्रोडक्ट बन के वापस पाकिस्तान आ रहा है। वाई आंट वी मेकिंग इट हेयर? वो कहते हैं कि $100 का वो एक माइन में से जाता है, वो जो फाइनल प्रोडक्ट $1400 का वापस आ रहा है। तो एग्जैक्टली बहुत सा पोटेंशियल, और हम फिनिश गुड्स जो है वो नहीं बना पा रहे जो हमें बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जहांगीर प्राचा साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और वाकई बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ व्यूअर्स कंपनियां डिस्प्ले नहीं कर रही, साथ ही एजुकेट भी कर रहे हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन को कि वो साइट पे आएँ, और इसके लिए बड़ी अच्छी उन्होंने स्पीक्स भी रखवाई हैं। सो आगे चलते हैं, आपको इस एग्जीबिशन का टूर करवाते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या केमिकल प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी कंपनियाँ बना रही हैं, और बाहर से जो कंपनियाँ आई हैं, जो डेलीगेशन आए हैं, वो क्या क्या सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर करें, डिस्प्ले करें। आइए
वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा स्टॉल है निमर का, और निमर जो है पायनियर एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स इन पाकिस्तान। आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले की हुई है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स, और इन केमिकल्स से ये प्रोडक्ट्स जो हम आए रोज अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सोप्स हों, वो ड्यूड्रेंट्स हों, आप कह लीजिए रेप्टाइल केमिकल्स हों, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं निमर जो है ये कंपनी ये प्रोवाइड करती है। फॉर्चुनेटली इनके सीईओ मिस्टर जफर महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले बताइए कब से आप की कंपनी इस बिज़नेस के अंदर है और इस वक्त क्या प्रोफाइल है? जो हमारी जो ग्रुप है दिस वाज एस्टैब्लिश्ड 1964। वाओ। हमारे पास कोई 120 एकड़ लैंड के ऊपर हमारा कॉम्प्लेक्स है नियर शेखुपुरा, एक हमारा ये लाहौर के करीब भी है। वी आर टू फैक्ट्रीज, टू प्रोडक्शन लोकेशंस, और वी प्रोड्यूस ऑलमोस्ट डजन्स ऑफ केमिकल्स इन पाकिस्तान। आई सी। और हमारा जो एनुअल टर्नओवर है वो कोई 50 अरब रुपए का है साल का। यानी कि ये जो आमतौर पर तासर समझा जाता है कि कुछ केमिकल्स जो हैं वो बाहर से इम्पोर्ट हो सकते हैं, आप समझते हैं पाकिस्तान में भी पोटेंशियल है कि यहाँ पर मैनुफैक्चरिंग होती? माशाल्लाह जो निमर है ना, इसमें हमारी खूबी रही है कि हम हमेशा कंपटीशन में नहीं गए, हमने हमेशा चीज़ें इन्वेंट करके लगाई हैं। 64 में जो पहला प्लांट लगा था वो भी इन्वेंशन थी, पाकिस्तान ने पहला था। इसके बाद जितनी भी चीज़ें हमने पाकिस्तान में ऐड की हैं, वी आर द फर्स्ट वन। अच्छा। वी आर लीडर, हम इस वक्त अल्केड रीजन में लीडर थे। हमने ओलियो केमिकल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया, हमने सोप नूडल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, हमने एरोसोल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किए, हमने इसके बाद अभी क्लोरीनेटेड पैराफिन बैग्स एंड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। जफर महमूद साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं। सो व्यूज ने भी आज देखा होगा, उन्हें पता चला होगा कि निमर जैसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में केमिकल प्रोड्यूस कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक और कंपनी है वो हमें नज़र आ रही है मैट्रिक्स के नाम से, और इन्होंने भी मुख्तलिफ किस्म की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है ना इनकी प्रोडक्ट्स हैं। आजकल आपने देखा होगा कि ये फ्लोर के ऊपर हमें इस तरह लगता है कि मार्बल बना हुआ, बट ये भी एक बड़ा केमिकल प्रोसेस के जरिए आप कह लीजिए सिंथेटिक मार्बल्स बनाए जा रहे हैं जो देखने में खूबसूरत भी हैं, जिससे नेचुरल जो उसका एक सब्सिट्यूट भी आप कह लीजिए, पत्थर एक तो एक्सपेंसिव भी होता है, फिर पहाड़ों को काट काट के जो हम चीज़ें बना रहे हैं, तो ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है ये कंपनी बनाती है। सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है सितारा केमिकल्स। यहाँ पर उन्होंने भी अपनी तमाम तर कंपनी प्रोफाइल भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो जो प्रोडक्ट्स वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं वो उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है, और पाकिस्तान भर से लोग आके विज़िट कर रहे हैं। और अच्छी बात यह, जिस तरह के हमें PCMA के चेयरमैन ने कहा था कि यहाँ पर फॉरेन डेलीगेशन आए हुए हैं, तो एक मौका मिलता है पाकिस्तानी कंपनियों को कि वो इंटरेक्ट करें, वो इन्वेंशंस को देखें कि क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं मार्केट के अंदर, और अपने अंदर भी इनोवेशन जो है वो लेके आ सकें। अच्छा एक और कंपनी है हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैक्सवेल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, और बड़ी बड़ी सी मोटर्स इन्होंने रखी हुई हैं, तो हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर इनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से कि ये क्या क्या प्रोडक्ट जो है यहाँ पर दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हैं? जी, मैं इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्रा खान है। अच्छा सिद्रा, मुझे बताइएगा अपनी कंपनी के बारे में, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोग ऑफर? ठीक है, मैक्सवेल बेसिकली एक सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है, हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। किस तरह से कि हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, लाइक ये निमर है, सितारा, इस तरह की ICL है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पर हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जिनके प्लांट होते हैं उनमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जैसा कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, ये अगर आप उधर से देख लें सारे, वो योकोगावा के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हम लोग सप्लाई कर रहे होते हैं। डिफरेंट और भी बहुत से ब्रांड्स हैं जो हम लोग सप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद ये तो मोटर्स हैं? नहीं, ये मोटर्स नहीं है। अच्छा, ये सारे ट्रांसमीटर्स हैं। आई सी। ये भी, और वो फ्लो मीटर्स हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में बेसिकली यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब फर्दर आगे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सप्लाई के साथ साथ कमीशनिंग भी, इंस्टॉलेशन भी, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा DCI सिस्टम है, ये कंट्रोल का, तो ये ओवरऑल हर चीज़ अब हम लोग हैंडल करें। EPCC कंपनी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। ये तकरीबन जनरली हर कंपनी में ही इसका इस्तेमाल होता है, हर इंडस्ट्री में, कंपनी में। अच्छा, तो क्या नॉर्मली क्या प्राइस रेंज होती है?
वेरी करती है, डिपेंड्स के रिक्वायरमेंट क्या है, कितना उसका फ्लो है, फ्लो मीटर्स की बात करती हूँ, कितना उसका फ्लो है, प्रेशर कितना है, वेरी करता है, कोई स्पेसिफिक एक फ्लो मीटर की प्राइस नहीं होती है। एग्जीबिशन को कितना देख रही है? पहली PCM मैंने पाकिस्तान केमिकल एक्सपो करवाई है। अच्छा, ये अभी तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली बार मैं आई हूँ, मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा इनका सेटअप लगा है, मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप देखिए सिद्रा खान, पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो भी हर जगह शाना बशाना काम कर रही हैं और ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक सबूत है। तो ये कंपनी है जो कि इस तरह की जो है मशीन्स प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ इंडस्ट्री को। इस वक्त हम मौजूद हैं ICI पाकिस्तान लिमिटेड के एक बड़े ही खूबसूरत स्टॉल के ऊपर और इनके यंग बिजनेस मैनेजर्स जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं हसन और फहद जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। सो हसन, सबसे पहले तो हमें ICI पाकिस्तान के बारे में बताइएगा, कब से इस केमिकल बिजनेस में आप? जी, सो ICI तकरीबन ICI बनने से पहले 1944 में इस्टेब्लिश हुई थी और करंटली वी आर पार्ट ऑफ YBG ग्रुप विच ओन्स लकी सीमेंट एंड डिफरेंट टेक्सटाइल कंपनीज। वी रिसेंटली वेंट इनटू किया मोटर्स एज वेल एंड ICI इज़ ऑल अबाउट केमिकल्स, सोडा ऐश, पॉलिएस्टर स्टेबल फाइबर, फार्मास्यूटिकल एंड वी हेयर टुडे आर रिप्रेजेंटिंग केमिकल्स एंड एग्री साइंसेज बिजनेस विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ PCMA विच इज़ पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एंड वी प्राउडली रिप्रेजेंट हेयर एज अ डायमंड स्पॉन्सर टू हैव दिस इवेंट डन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड वी आर एक्साइटेड टू यू नो बी पार्ट ऑफ दिस। अच्छा बेहतरीन। अच्छा तो फहद, यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले किए हैं? हमें नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के ये जी। सो बेसिकली जिस तरह हसन ने बताया, वी हैव गॉट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स, देन विद इन द केमिकल्स बिजनेस वी हैव गॉट 7 डिफरेंट सब सेगमेंट्स। उसमें हम पॉलीयुरेथेन्स सेल करते हैं जो कि ऑब्वियसली मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में जाता है, हसन उसके बारे में और बताएंगे, इट कम्स अंडर हसन्स डोमेन। टेक्सटाइल केमिकल्स में हम पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरह आपको पता है फ्रॉम एन एक्सपोर्ट्स पर्सपेक्टिव इज़ रियली इंपॉर्टेंट, उसके डाइज एंड केमिकल्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल जायंट्स विच इज़ हंट्समैन। उसके अलावा हम जनरल केमिकल्स, पेंट्स एंड कोटिंग्स रिलेटेड केमिकल्स, एग्री चेन में हम पेस्टिसाइड फॉर्मुलेटर्स को भी मुख्तलिफ केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा भाई, इसी तरह कंज्यूमर केमिकल्स एक हमारा डिवीजन है, सेगमेंट है, जिसमें हम एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल डाइवर्सिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एडिसिव्स के अंदर वाइट ग्लू है, तो ऑब्वियसली इनमें से कुछ हसन के अंडर आते हैं, कुछ मेरे अंडर आते हैं, विद अ वेरी डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइंस एंड सेगमेंट्स दैट वी रिप्रेजेंट। तो ये बताइएगा, पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या इंपोर्ट भी करते हैं? जी, सो हम मल्टीपल बिजनेसेस में हैं, हम मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं। सो वी एक्चुअली एज फहद सेड, वी प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल सॉल्यूशंस अंडर द रूफ, चाहे वो पेंट्स हो, चाहे वो प्लास्टिक्स हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, स्पोर्ट्स सेगमेंट्स हो। सो पाकिस्तान में जितनी भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो या लोकल कंजम्पशन के लिए हो, वहाँ पे हमारी ये होती है कोशिश कि हम मैक्सिमम जो है लो कॉस्ट सॉल्यूशंस विद बेटर क्वालिटी एवरी टाइम इन पाकिस्तान इंट्रोड्यूस करते हैं। इस एग्जीबिशन में हमें पेट्रोकेमिकल कंपनियों का भी जो है बाकायदा तौर पे स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, एक्जोन मोबिल का नज़र आ रहा है, इसके अलावा फराबी पेट्रोकेमिकल और इट्स सऊदी बेस्ड कंपनी और इनके रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सऊदीया से आए हैं, तो आइए उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। व्हाट्स योर गुड नेम? अली मोहम्मद अल-ताहिर। So Ali, first of all, welcome to Pakistan. Thank you very much, sir. First of all, tell us something about your company. Yeah, we are coming from Saudi Arabia.
We are a Farabi petrochemical company. We are the first time coming here to Pakistan, participating as exhibitor and silver sponsor for this event. Very nice. And we have been supplying for a quite long time to Pakistan market our products, diversity of a wide range of products. Very nice, very nice. So generally, I've seen you're providing detergents to the textile sector, and we can see some paints. So what chemicals you are actually providing? Actually, our core business and number one product is linear alkyl benzene, which is known in the market as LAB. And this product is used as a raw material for detergent industry, in which Farabi today have considerable market share in Pakistan market from this product. In addition, Farabi is expanding its business portfolio and product portfolio to cover more industry and more applications, including specialty chemicals and other organic chemicals as well. Very nice. So how do you see this exhibition? Really, we are very happy to be here and very nice experience to be for the first time in Pakistan and to see how is the Pakistan culture and how to see the organization of this event to be in the same level of business with other Pakistani company. That's great. You tried Pakistani food? Definitely, and we like it. Very nice food, delicious food. That's great. And I hope that you'll come again and again. Inshallah, inshallah, for sure. This is very nice experience and we would like to repeat it again, inshallah. And to discover Pakistan, I hope you will discover the other cities and, you know, the beautiful cultures of Pakistan as well. Hopefully in the coming trips, inshallah, when we have time, definitely we will try. Thank you very much, Mr. Thank Ali Tahir. It was a pleasure talking to you. So you have realized that Al-Farabi company has different kinds of chemicals which Pakistani company provide and has a big market share. अच्छा मैंने तस्करा किया था एक्सन मोबिल का जो है एक यहाँ पर बहुत बड़ा खूबसूरत सा स्टॉल लगा है और एक्सन मोबिल से ही कहा जाता है कि पेट्रोकेमिकल्स में सबसे बड़ी जो है वो कंपनी है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका मेरा नाम बिलाल हुसैन है अच्छा बिलाल बताइएगा एक्सन मोबिल जो है ये कहा जाता है कि पेट्रोकेमिकल्स में सबसे बड़ी कंपनी है क्या क्या आप यहाँ पाकिस्तान में क्या क्या सर्विस और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली एक्सॉन मोबिल जैसा कि आपने कहा कि वर्ल्ड रिन्यूड ब्रांड है मुख्तलिफ मल्टीपल काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है हम पाकिस्तान के अंदर एक्सॉन मोबिल का केमिकल हाइड्रोकार्बन डिवीजन है उसको यहाँ पे मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स जो हैं वो पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स के लिए और पेंट्स एंड कोटिंग सेक्टर के लिए और टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए हम रॉ मटेरियल केमिकल्स कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं बेहतरीन बेहतरीन तो क्या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कितने जो है आपको नज़र आता है कि फ्यूचर में कितनी पेनिट्रेशन और हो सकती है कितना बिजनेस जो है केमिकल से रिलेटेड एक्सपेंड हो सकता है देखिए हमारी जो इंपोर्ट है वो ऑब्वियसली केमिकल की बहुत ज़्यादा है हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि उस गैप को कम किया जाए ताकि जो जितनी भी आपकी केमिकल एसोसिएशन है उनको रॉ मटेरियल डोर स्टेप पर मिले ताकि आपकी जो जितनी भी नीड्स हैं वो फुलफिल लोकली हो सके थैंक यू वेरी मच टॉकिंग टू यू आपने मुलाहिजा किया एक्सन मोबिल भी यहाँ पे जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे रही है और इसके अलावा जो है बिन रशीद का एक बहुत बड़ा सा हमें स्टॉल नज़र आ रहा है बिन रशीद ग्रुप जो है वो भी मुख्तलिफ किस्म के केमिकल जो है मुख्तलिफ इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रही है और कोशिश करते हैं जानते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव से भी कि ये क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विस दे रहे हैं यहाँ पर हमें बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम अच्छा फौरा बताइएगा अपनी कंपनी के बारे में बिन रशीद के बारे में कब से इस बिज़नेस में I am working with Bin Rashid Group since 2012 and Bin Rashid has been in the business since 1990s. Or the major business, the big backbone manufacturing business of the company is regarding plastic master batch manufacturing, liquid master batch manufacturing and ink manufacturing. Apart from that, we are working for the trade as well, raw material for industrial, different industrial sectors and we are doing it on ex-shop basis as well plus indent basis. Specifically talking about the department or the company which I am leading is Bin Rashid Scientific and Bin Rashid Scientific is an instrument providing company. We do provide the instruments of internationally renowned brands for different industrial sectors.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान केमिकल एक्सपो जारी है और आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स भी दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं क्लीनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हम आए रोज़ हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो हमारी बाथरूम क्लीनिंग हो, फिर डिश वॉश क्लीनिंग हो, कपड़ों की क्लीनिंग के लिए हो, हमारे घर की सफाई के लिए। उसके अलावा इंटरेस्टिंगली हम लिक्विड सोप्स देखते हैं, मुख्तलिफ सोप्स ये कंपनी बना रही है और यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करी। इससे पहले जो हमने आपको कंपनीज दिखाई वो तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कंपनी जो है फिनिश गुड बनाती है और ये फिनिश गुड पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर जो है सप्लाई कर रही हैं और अब आगे एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। पीछे 2013 से ये लोग काम कर रहे हैं। तो इस एग्जीबिशन में इस तरह की खुशाइन बात है कि इस तरह की कंपनियाँ भी नज़र आ रही हैं जो फिनिश गुड बना रही हैं, क्योंकि जब हम फिनिश गुड बनाते हैं तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे चलते हैं, आपको और भी कंपनियों का विजिट करवाते हैं। वाओ, एक बड़ा मज़े का मुझे नज़र आया, हब सॉल्ट लिखा हुआ है और उन्होंने लिखा वी सॉल्ट द वर्ल्ड। तो ये क्या है, पाकिस्तानी सॉल्ट वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है लेकिन ये हब सॉल्ट जो है क्या क्या चीज़ें बना रही है और क्या क्या चीज़ें बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उन्होंने लिखा वी सॉल्ट द वर्ल्ड। तो जानते हैं, इनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं। सो अब्दुल्ला जो है हब सॉल्ट के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला ये बताइएगा, मुझे बड़ा मज़े का आपका स्लोगन लगा वी सॉल्ट द वर्ल्ड। थैंक यू सर। क्या क्या सॉल्ट से आप क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सर एक्सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर दी वर्ल्ड कर रहे हैं और बेसिकली हमारे 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं सॉल्ट से रिलेटेड। आई सी। उसके अंदर हम एक कंप्लीट रेंज है रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग इंडस्ट्री, रिगार्डिंग टेक्सटाइल, डाइंग, सोप ग्रेड, ईच एंड एवरी ग्रेड 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। तो जिस तरह की क्यूरी आती है उस तरह को फैसिलिटेट करते हैं। यानी कि सही बात है, यू सॉल्व द वर्ल्ड। तो हम तो सिर्फ खाने पीने में ही सॉल्ट इस्तेमाल करते थे जी, तो अब मुझे अच्छा लग रहा है कि हर इंडस्ट्री में सॉल्ट का कुछ ना कुछ। जी सर, एक्चुअली देखें जैसे सोप ग्रेड की अगर कोई फूड इंडस्ट्री होती है लाइक मेयोनीज वगैरह हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, उसमें फूड ग्रेड यूज होता है। डाइंग इंडस्ट्री होती है उसमें टेक्सटाइल होती है। तो सॉल्ट का एक हाउसवाइफ को तो जैसे ये पता होता है दो चुटकी खाने में डालना है, दैट्स इट। बट सॉल्ट यहाँ ख़त्म नहीं होता, कहानी यहाँ से शुरू होती है। ठीक, कैसे देख रहे हैं आज की इस एग्जीबिशन को? सर माशाल्लाह इट्स टू गुड, और जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे अबव अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिजल्ट्स मिले हैं, अच्छे बायर्स भी आए हैं, कुछ हमें कस्टमर्स भी मिले हैं और जो हाउस वाइफ्स भी आई हैं। तो ऑल ओवरऑल माशाल्लाह इट्स गुड अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे जो आप स्टॉल देख रहे हैं, बड़ा सा खूबसूरत स्टॉल जो है ये एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स का, एक बहुत बड़ी कंपनी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की तमाम तकरीबन इंडस्ट्री को जो है ये भी केमिकल प्रोवाइड करते हैं, हर सेक्टर को ये हिट करते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो इनके सीईओ हैं वो इस वक्त पीसीएमए के चेयरमैन भी हैं, उनसे हमने बात भी की थी शुरू में। अच्छा, आज की इस एग्जीबिशन में जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये बुक स्टॉल है और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो बुक है इन्होंने यहाँ पर रखी है, पीसीएमए पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने खास तौर पे इसको रखवाया है और नेशनल ज्योग्राफिक ने इसको पब्लिश किया है। एंड दिस बुक इज़ अबाउट 1001 इन्वेंशंस बाय द मुस्लिम्स। हमारी जो लेगेसी है, हमारी तारीख रही है, उस तारीख को उजागर किया कि हमें याद रखना चाहिए कि किस तरह हम लीड कर रहे थे और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम दोबारा इसी तरीके से लीड करेंगे। हमें साइंस पे जो है काम करना होगा, हमें नई इन्वेंशंस को लेके आना होगा। इसके अलावा एक और जो चीज़ बहुत अच्छी इस एग्जीबिशन में लगी, उन्होंने एक आर्ट गैलरी छोटी सी बनाई है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। Wow,
वाओ, लुक एट दिस आर्टवर्क, वाटर पेंट से ये जो है यहाँ पर पेंटिंग हुई और अभी यहाँ पर फ्रेश आर्टिस्ट जो है उन्होंने बना कर रखी है। बड़ा खूबसूरत एक जो काम इस एग्जीबिशन में PCMA ने किया है, यहाँ पर आर्टिस्ट जो है उनको अपने स्किल्स का मुजाहरा करने का मौका दिया है और आप देख सकते हैं कि लाइव जो है यहाँ पर पेंटिंग हो रही है, खत्ताती कर रहे हैं ये यंग टैलेंटेड पाकिस्तान के आर्टिस्ट और ये भी हमारी सिविलाइजेशन की अक्कास है खत्ताती। और ये बड़ा खूबसूरती से मेरा नाम भी लिख रहे हैं, सलमान खान। तो इसके अलावा बात करते हैं क्योंकि इस एग्जीबिशन में बहुत सीनियर आर्टिस्ट जो हैं उनकी पेंटिंग्स को भी डिस्प्ले किया गया है और उसको जो हेड कर रही हैं फातिमा, वो हमारे साथ ही उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फातिमा, ये बताइएगा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि PCMA ने जो है आर्टिस्ट जो हैं उनको भी मौका दिया है कि वो अपने आर्ट का मुजाहरा करें, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? केमिकल एक्सपो के साथ तो जाहिर है मैंने फर्स्ट टाइम काम किया है, बट 10-15 साल से मैं आर्ट की फील्ड में हूँ और मैं आर्टिस्ट भी हूँ। इसके अलावा ट्रेडिशनल आर्ट्स और ज्योमेट्री मैंने सीखा है लंदन स्कूल ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट से। इसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने क्यूरेट किया एग्जीबिशन जिसमें ऑल ओवर पाकिस्तान से कुछ जूनियर आर्टिस्ट भी हैं, कुछ सीनियर आर्टिस्ट भी हैं। लाइक पाकिस्तान की 5-6 सिटीज़ को हमने कवर किया है इसमें, डिफरेंट मीडियम्स पे लैंडस्केप्स, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और सबको हमने वो किया है। तो इट्स ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और केमिकल्स वालों के साथ बिल्कुल एक डिफरेंट वो है, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त रहा। अच्छी बात है, एक तो लाइव यहाँ पर हो रहा है और फिर आपने यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को भी मौका दिया कि वो भी अपने आर्ट का मजा रखें। अच्छा दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ आप हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे काम, कुछ स्टूडेंट्स ने इसके हवाले से भी काम किया है। इसके अलावा कुछ काम जो है इससे थोड़ा सा हटके है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल हमने सारे काम्स को मर्ज करके यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश की है। बट व्हाट इज मोर क्लोज टू योर हार्ट, आपकी पसंदीदा कौन कौन सी और क्या क्या डिफरेंट जो है? एक तो ये बड़ा कलरफुल सा है, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, और इसके अलावा मेरी अगर आप पसंदीदा पूछे तो ज़ाहिर है केमिकल के हवाले से ये तो एक स्टैंड आउट कर ही रही है यहाँ पे। सही। इसके अलावा लैंडस्केप्स हैं कुछ। अच्छा, और ये मेरा अपना काम है कुछ, एक तो पीसेस वो वाला। अच्छा, वही ज्योमेट्रिकल है। अच्छा, और ये हमारा जो है कल्चर का भी दिखा रहा है और साथ साथ जिस एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं कि उस मदर एनवायरनमेंट को हमने बचाना है, ये उसमें मेरे ख्याल से इसके भी एकास है। बिल्कुल बिल्कुल, कि ये हमारी जो इतनी खूबसूरत सरसब्ज पाकिस्तान है हमारा, हमें उसे बचाना है। और इसीलिए केमिकल एक्सपो में भी सस्टेनेबिलिटी पे भी बात हो रही है कि हमें ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करने जिससे हमारे मुल्क को और उसको नुकसान मत पहुंचे। अच्छा, ये फॉर सेल भी हैं? ये बिल्कुल फॉर सेल भी हैं। और क्या प्राइस रेंज है इनकी? प्राइस रेंज डिफरेंट है, जैसे लाइक 1 लाख से कुछ अबव भी हैं और कुछ हमारे पास 20-30 और कुछ उससे थोड़ी कम भी पेंटिंग्स हैं। So that was Pakistan's first chemical expo organized by Pakistan Chemical Manufacturing Association. यकीनन आज की एग्जीबिशन जो है वो आप लोगों ने बहुत इन्जॉय भी की होगी और बहुत लर्न किया होगा कि पाकिस्तान की केमिकल इंडस्ट्री किस तरह ग्रो कर रही है। बहुत से फॉरेन डेलीगेशन यहाँ पर आए हुए थे और पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इंशाल्लाह बहुत ब्राइट है। आप लोग अगर टेलीविजन चैनल पर जो है ये प्रोग्राम नहीं देख पा रहे तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जो है डिस्कवर पाकिस्तान के इस तरह के प्रोग्राम से इंटरटेन हो सकते हैं और बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे डिस्कवर पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जहाँ पर जाइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप डिस्कवर पाकिस्तान की एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड पर और iOS पर वो भी डाउनलोड करके हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इसी तरीके से फलती फूलती रहे, आगे बढ़ती रहे और पाकिस्तान तरक्की करता रहे, अपने मेज़बान सलमान खान और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई एग्जीबिशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।